नमस्कार दोस्तों और किसान मित्रों, मैं अनिल जाधव, पोलैंड में आपका हार्दिक स्वागत। आज मैं हूँ, ये जो खेत है, ये खेत में पोलैंड ट्रीटमेंट में है, शुरुआती से लेकर अभी तक चालू था, लेकिन पहली बार इस खेत का वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आपको समझाऊँ कि ये प्लॉट में 2 साल में क्या चेंजेस हुआ है और इस साल हमने क्या चेंजेस किया है। ये हसमुख भाई राठवा, जूनी रूढ़ी, तालुका बोडेली, जिला छोटा उदयपुर, यहाँ का प्लॉट है। यहाँ पे जो मैंने इस साल चेंजेस किया, इस समय ये केल पे केल लगातार, यानी लगातार 4 साल से केला होता है, केला रटुन, केल नया रटुन, यानी लगातार 4 साल हो गए कोई यहाँ पे हमने क्रॉप रोटेशन नहीं लिया है, क्योंकि खेत कम होने की वजह से यहाँ पे कोई क्रॉप रोटेशन नहीं हुआ है। इसके लिए तो भी आप अगर सब तना एक साथ देखते हो, टोटली ब्लैकिश कलर है, काफी अच्छा कलर है, जो पत्ते की कलर होना चाहिए वो, और जो हाइट है वो भी कंप्लीट है। तो इसके लिए यहाँ पे जो शेड्यूल मैंने दिया है, वो शेड्यूल के हिसाब से यहाँ पे बार बार मैं चेंजेस करता रहता हूँ। ठंड ठंड में अलग शेड्यूल देता हूँ, गर्मी होती है तो गर्मी का अलग होता है, जब ड्रिंचिंग होता है तो ड्रिंचिंग का अलग होता है, खाद होता है तो खाद का भी शेड्यूल मैं अलग देता हूँ। तो ऐसे ही शेड्यूल यहाँ पे मैं फॉलो करता रहता हूँ। तो ऐसे ही शेड्यूल में अगर आप देना चाहते हो तो मैं वो शेड्यूल आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप उसको फॉलो कीजिए। बीच बीच में मैं जो बैक्टीरिया देता रहता हूँ, यहाँ पे जो बैक्टीरिया बनाते हैं हम लोग, छाछ, जो छाछ बोलते हैं हम, कर्ड से बनाते हैं, ये 2 लीटर लेते हैं, उसके साथ 2 किलो गुड़ डालते हैं, और जो चावल उबला हुआ चावल का पानी है वो लेते हैं, चावल नीचे से जो चावल उबालते हैं उसका ऊपर का पानी वो लेना है, नीचे का जो चावल रहता है वो गाय को खिला देने का, ऊपर का पानी ये 5 लीटर लेना चाहिए, और उसमें ही गुड़ 2 किलो, छाछ जो बोलते हैं हम कर्ड, तो वो 2 लीटर, और इसमें 200 लीटर पानी में डाल के इसको आप 3 दिन अथवा 4 दिन रखिए, और ड्रिप से आप दे सकते हो। तो उसके वजह से क्या होता है कि जो खाद है, जमीन का दिया हुआ खाद, वहाँ पे एक बैक्टीरिया हो जाएगा, जो पौधे को बैक्टीरिया की वहाँ पे जरूरत होती है, जो जीवाणु होते हैं, तंतुमूल, वो जीवाणु क्या करता है, जो खाद हम देते हैं तो खाद को खा के वहाँ का जो उसका कंपोस्ट होता है वो पौधे के लिए मिल जाता है। इसके लिए जितना जमीन में आप बैक्टीरिया बढ़ाओगे, जीवाणु बढ़ाओगे, उतना ही केले के लिए अच्छा रहता है। 15 15 दिन के हिसाब से ये शेड्यूल देने का, बीच में सल्फ्यूरिक और फास्फोरिक एसिड का भी मैं देता रहता हूँ। जो फास्फोरिक एसिड का रोल मैंने बताया था कि हर 15 दिन में एक बार फास्फोरिक एसिड जाना चाहिए। फास्फोरिक एसिड के साथ आप 24 24 ले सकते हो, DAP ले सकते हो, तो उसके साथ यूरिया और मैग्नीशियम भी आप ले सकते हो। ऐसे शेड्यूल आप 15 दिन में दीजिए। दूसरा, अगर अभी ठंड चालू है तो महीने में एक बार सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करिए। सल्फ्यूरिक एसिड इसके लिए देना है क्योंकि ऊपर के जो पत्ते होते हैं, जो पत्ते का, अभी ये देखिए, ये जो किनारा है, ये जो साइड है, ये साइड ब्लैकिश हो जाती है, पत्ता जला हुआ दिखाई देता है कॉर्नर उसका, तो आपको लगता है कि यहाँ पे पोटेश की डिफिशियंसी होती है, लेकिन वो ठंड की वजह से होता है। तो उसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड दे सकते हैं, उसके साथ 10 किलो पोटेश लीजिए, उसमें PDI, प्लांट डायरेक्ट इंजेक्शन, ये जो होता है इनडायरेक्ट, ये इसको आप दे सकते हैं। इसके साथ ही आप फॉस्फोनिक एसिड हमारा आता है, गन करके आता है, वो दे सकते हैं, इसमें पोटेशियम डाइफॉस्फेनेट भी होता है, वो इसके लिए आप उसको यूज कर सकते हो। ऐसे ही शेड्यूल आप फॉलो करिए। इसके लिए अभी ये खेत में तना जो है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कैसा है इसका तना। तो आप ओवरऑल प्लॉट की पूरी कंडीशन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ऊपर की ग्रीनरी तक काफ़ी अच्छी है। प्लॉट पोलैंड ट्रीटमेंट का है, शुरुआती से ये प्लॉट मैंने बनाया हुआ है, जिसकी सभी पौधे में, यहाँ के जो पेड़ होते हैं, जो केले का ये होता है, काफ़ी अच्छा होता है, जो ब्लैकिश कलर आना चाहिए वो भी होता है, जिसमें ऊपर की हाइट काफ़ी अच्छी रहती है, जिसमें शेड्यूल अगर आप प्रॉपर फॉलो करते हो तो ये अच्छा बन जाता है। तो इसमें बीच बीच में जो एसिड ट्रीटमेंट मैं बताता हूँ, वो तो आप ठंड में फॉलो करना ही चाहिए, लेकिन चूना कली और
लिक्विड लाइम सल्फर, इसका भी प्रयोग आप करना चाहिए, जिसके वजह से क्या होता है कि ठंड में टेम्परेचर जो ये 15 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाता है, तो वहाँ पे एक जो तंतुमूल का काम होना चाहिए, न्यूट्रिएंट अपटेक का होना चाहिए, वो नहीं होता है वहाँ पे। रूट जो है, जिसको टेम्परेचर हमें बढ़ाने के लिए कली चूना जो बोलते हो हम लोग, वो उसका उपयोग करना चाहिए, जिसमें लिक्विड लाइम सल्फर भी आप ले सकते हो। तो ऐसे ही शेड्यूल आप केले में दे सकते हो, अथवा इसमें अगर आपका ग्रोथ नहीं होता है, जो पौधे छोटे छोटे पौधे हैं, तो उसमें 24-24-08 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 3 किलो 0050, 3 किलो न्यूट्रिसिल, 1 लीटर, ये शेड्यूल 8 दिन के अंदर 2 शेड्यूल होना चाहिए। ये कंप्लीट होने के बाद तीसरा जो शेड्यूल है, कैल्शियम नाइट्रेट, बोरॉन, जिंक, ये शेड्यूल देना चाहिए। ऐसे शेड्यूल दे के उसके बाद 24-24 है, ये शेड्यूल आप फॉलो करना चाहते हो तो ड्रिप से आप दे सकते हो। धन्यवाद।